पंजाब से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि वारिस पंजाब डे का प्रमुख अमृतपाल सिंह पकड़ा गया और बताया ये जा रहा है कि अमृतपाल ने खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। जी हां, अमृतपाल के आत्मसमर्पण के बाद पुलिस का सर्च अभियान थम गया और अमृतपाल की गिरफ्तारी 36वें दिन हो सकी। और हालांकि पुलिस ने अभी तक अमृतपाल के पकड़े जाने को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई खुलासा नहीं किया, लेकिन सूत्रों ने यह बताया कि अमृतपाल मोगा पुलिस की हिरासत में है और अमृतपाल को असम के डिब्रूगढ़ जेल में भेजा जा रहा है। और अमृतपाल सिंह मोगा में एक दिन पहले आ गए थे और बताया ये जा रहा है कि रविवार को उसने यहां एक बड़ी सभा की और लोगों को भाषण दिया और बड़े ही नाटकीय ढंग से पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। और इसे पुलिस की बड़ी नाकामी ही कहेंगे क्योंकि उसने सभी कर डाली और पुलिस को इसका भनक तक नहीं चला। और बता दें कि 14 अप्रैल बैसाखी के दिन पूरा अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि अमृतपाल सरेंडर कर सकता है, लेकिन उन्होंने नहीं किया और आज उन्होंने खुद सरेंडर कर दिया और 20,000 पुलिस वाले लगाए गए, लेकिन अमृतपाल पकड़ा नहीं गया था। और बताया ये जा रहा है कि उसकी पत्नी पर शिकंजा कसने पर वह टूट गया और उसने आज सरेंडर कर दिया है।